मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मैं तुमसे यह नहीं कहना चाहता कि मैं अच्छा था कि बुरा, सही था कि गलत। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि मैं अगर आजाद नहीं था तो कौन था, क्या नाम, क्या धर्म, क्या जात, क्या मजहब, कहां घर, कौन सा गांव था मेरा, नहीं। मैं ये नहीं कहना चाहता, इसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं कुछ नहीं, मैं कोई नहीं हूं, मगर आजाद कोई है। आपने कल वोट देकर अपनी हकीकी आजादी की बुनियाद रख दी है। मैं आप सबको इलेक्शन 2024 जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। मुझे आप सब पर पूरा भरोसा था कि आप वोट देने निकलेंगे। आपने मेरे भरोसे का मान रखा और आपके मैसिव टर्नआउट ने सबको हैरान कर दिया है। नवाज शरीफ एक कम जर्फ इंसान है जिसने ऑफिशियल नतायज के मुताबिक 30 सीट्स पीछे होते हुए भी विक्ट्री स्पीच कर दी है। कोई पाकिस्तानी उसे नहीं मानेगा और इंटरनेशनल मीडिया भी उस बेवकूफ़ी पर लिख रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, आप सब ने तारीख रकम कर दी है। मुझे आप पर बहुत फख्र है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें एक कौम बना दिया है। सब ने आपके वोट की ताकत देखी है, अब वोट की हिफाजत करने की सलाहियत भी दिखाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्यों साथ में निकले, बंद करो जेल में। सर आप जरा बेल्कनी में जाके बाहर देखिए, तकरीबन पूरा शहर सड़कों पर आ रहा है। अब पूरे शहर को जेल में तो नहीं बंद किया जा सकता सर। हजारों की तादाद में लोग नेशनल स्टेडियम को जा रहे हैं आजाद को देखने और सुनने, कैसे हो सकता है ये? यही तो मैं भी कह रहा हूँ। अपने आदमी भेजो, वहां पत्थर वत्थर चलाए, आजाद कर दे। नहीं सेठ जी, इस बार ये नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि वो आएगा। इतने बाजू इतने दम, इतने दुश्मन जान से इतने लगाएंगे, ये मेरे को नहीं खिलाएंगे। हारेगा वो हर बाजी जब